ब्रेकिंग न्यूज, अचानक धोनी ने बीच आईपीएल में छोड़ी सीएसके की कप्तानी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी बीच आईपीएल में छोड़ दी है, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 में अभी तक चेन्नई का प्रदर्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 4 मैचों में दूसरी हार देख ली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ चेन्नई को 3 रनों से हार मिली और इसके बाद यहां पर चेन्नई की टीम को एक बहुत ही बुरी खबर भी सामने आने को देखने को मिली। दरअसल दोस्तों आरआर के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद चेन्नई पॉइंट टेबल में भी काफी नीचे चली गई, लेकिन ये सब बातें तो आम बात है क्योंकि 4 मैचेस अभी हुए हैं, अभी तो 10-12 मैचेस और हैं, वहां पर वापसी कर सकती है चेन्नई टीम। लेकिन वापसी तो तब करेगी जब उनके मेन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के टीम में होंगे। लेकिन दोस्तों चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यहां पर चोटिल हो चुके हैं, इसका खुलासा खुद चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने किया। उन्होंने कहा कि टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घुटने की चोट से जूझ रहे हैं जिससे उन्हें कुछ मूवमेंट करने में परेशानी हो रही है। जी हां दोस्तों, चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही चेन्नई के लिए एक और बुरी खबर यह है कि धोनी यहां पर काफी प्रॉब्लम में है। और बताया जा रहा है कि आरसीबी के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चेन्नई में यहां पर दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि धोनी हो सकता है फिट भी ना हो, जिससे चेन्नई की टीम के लिए एक अलग कप्तान और एक अलग विकेट कीपर की विकल्प को तलाशना होगा। बता दें दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल काफी उम्दा प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से वो विंटेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो यहां पर चेन्नई के लिए काफी अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन इस खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद चेन्नई के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली है। अब आप किस पर क्या राय है, अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।